हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में बात करने वाले हम लोग पीवी नरसिम्हा जी की के जीवन के बारे में या इनकी बायोग्राफी को हम लोग देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 28 जून 1921 को वांगरा आंध्र प्रदेश में हुआ। तो याद रखिए 28 जून 1921 को वांगरा आंध्र प्रदेश में। और इनके निर्धन की बात करें या मृत्यु की बात करें तो 23 दिसंबर 2004 को हुआ। इनके कार्य की बात करें तो राजनेता रहे हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी ये रहे हैं। ठीक है, इन पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव एक भारतीय राजनेता थे। पीवी नरसिम्हा राव वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। याद रखिए 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका प्रधानमंत्री बनना इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि वे पहले दक्षिण भारतीय थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नरसिम्हा राव को भारत में कई प्रमुख आर्थिक परिवर्तन लाने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके नेतृत्व में ही भारतीय अर्थव्यवस्था में लाइसेंस राज की समाप्ति हुई और अर्थनीति में खुलेपन का आरंभ हुआ। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर देश की जर्जर अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण और उदारीकरण के माध्यम से एक नई दिशा प्रदान की। इसी कारण उन्हें भारत के आर्थिक सुधार का पिता माना जाता है। भारतीय राजनीति के इतिहास में उनका कार्यकाल घटनापूर्ण रहा है। उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की शुरुआत की जो नेहरू के मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न थी। उनके द्वारा प्रारंभ की गई आर्थिक सुधार की नीति के बाद आने वाली वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार ने भी जारी रखा। उनके सरकार अल्पमत में थी, फिर भी उन्होंने 5 साल पूरा करने में सफलता हासिल की। उनकी इस योग्यता के कारण उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तो याद रखिए पीवी नरसिम्हा राव जी को चाणक्य भी कहा जाता है। राजनेता के साथ साथ कई भाषाओं के विद्वान भी रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। उन्होंने 17 भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे। साहित्य के अलावा उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में भी रुचि थी। उनके कार्यकाल के दौरान भी देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष हुआ और अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद भी ढा दी गई। इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो हम लोग पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म 28 जून 1921 को करीमनगर आंध्र प्रदेश में एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता पी रंगाराव और माता रुक्मणी अम्मा कृषक थे। राव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करीमनगर जिले के भीमदेव राव रापल्ली मंडल के कतकुरु गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर ग्रहण की। इसके पश्चात उन्होंने ओस्मानिया विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत हेलोप कॉलेज में लॉ की पढ़ाई की। राव की मातृभाषा तेलुगु थी पर मराठी भाषा भी उनकी जोरदार पकड़ थी। 8 भारतीय भाषाओं जिनमें शामिल है तेलुगु, तमिल, मराठी, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, बंगला, बंगाली, गुजराती के अलावे भी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी, स्पेनिश, जर्मन, फारसियन बोलने में परंपरागत थे। अब पीवी नरसिम्हा राव जी के राजनीतिक जीवन की बात करें हम तो नरसिम्हा राव जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति में आने के बाद राव ने पहले आंध्र प्रदेश फिर बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1962 से 1964 तक
वे कानून और सूचना मंत्री रहे। 1964 से 67 तक कानून विधि मंत्री रहे। सन 1967 में स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री और सन 1968 से 71 तक शिक्षा मंत्री रहे। नरसिम्हा राव सन 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। वे सन 1957 से लेकर 1977 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा और 1977 से 84 तक लोकसभा के सदस्य रहे। दिसंबर 1984 में रामटेक सीट से 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वो राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में अनुभव प्राप्त राव ने केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। राजनीति में उनके विधिवत अनुभव के कारण उन्हें केंद्र सरकार में गृह रक्षा विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। नरसिम्हा राव 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेश मंत्री, 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी केंद्र सरकार में कार्य किया। ऐसा माना जाता है कि सन 1982 में ज्ञानी जैल सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति पद के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था। सन 1991 के आसपास राव ने सक्रिय राजनीति से लगभग संन्यास सा ले लिया था, पर राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी किस्मत पलटी और वे एकाएक भारतीय राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए। सन 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक सीटों पर विजयी हासिल की, पर उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। इसके बाद नरसिंह राव को अल्पमत सरकार चलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस प्रकार राव नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे 5 साल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे पहले छेड़ भारतीय प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने परंपरा से हटते हुए एक गैर राजनीतिक मनमोहन सिंह को देश का वित्त मंत्री बनाया। उन्होंने विपक्षी दल के सुब्रमण्यम स्वामी को श्रमिक मापदंड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष बनाया। यह भारतीय राजनीति के इतिहास में पहला अवसर था जब किसी विपक्ष के किसी सदस्य को कैबिनेट स्तर का पद दिया गया था। आर्थिक सुधार की बात करें तो सन 1991 में नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, पर उन्होंने इस गंभीर परिस्थिति का हल अपने सूझबूझ के साथ निकाला। उन्होंने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और देश को एक नए आर्थिक दौर में ले गए। उन्होंने विदेशी निवेश, पूंजी बाजार, मौजूदा व्यापार व्यवस्था और घरेलू व्यापार के क्षेत्र में सुधार लागू किए। उनकी सरकार का लक्ष्य था मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना। उन्होंने औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में भी सुधार करते हुए मात्र 18 महत्वपूर्ण उद्योगों को इसके अंदर रखा। उनके आर्थिक सुधारों का ही नतीजा था कि वे देश में विदेशी निवेश बहुत तेजी से बढ़ा। अब राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति की बात करें तो राव जी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बातें हुई। इस दौरान मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को गति मिली, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1998 में वाजपेयी सरकार परमाणु परीक्षण करने में सफल रही। उन्होंने पाकिस्तान और चीन को ध्यान में रखते हुए देश की सैन्य ताकत में वृद्धि और पंजाब में आतंकवाद का सफाया भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ।
उन्होंने आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा अपहरण की घटनाओं का सामना प्रभावशाली तरीके से किया। विदेश नीति के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी यूरोप, चीन और अमेरिका से संबंध सुधरने की दिशा में प्रयास किया। भारत इजराइल संबंधों को एक नई दिशा दी। इसी दौरान इजराइल भारत की राजधानी दिल्ली में अपना दूतावास खोला। उन्होंने लुक ईस्ट नीति प्रारंभ की, जिसके फलस्वरूप आसियान देशों से भारत की निकटता बढ़ी। सन 1993 के बॉम्बे बम धमाकों के बाद राव के संकट प्रबंधन की बहुत तारीफ हुई। बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। नरसिम्हा राव के कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना बाबरी मस्जिद का ढहाया जाना। उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर स्थित बाबरी मस्जिद, जिसे प्रथम मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, जो हजारों लोगों की एक भीड़ ने 6 दिसंबर 1952 को ढहा दिया। हिंदू मान्यता के अनुसार इस जगह भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस घटना के बाद देश में कई स्थानों पर दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। भ्रष्टाचार के आरोप की बात करें तो राव पर अपनी अल्पमत सरकार को सांसदों को रिश्वत देकर बचाने का आरोप लगा। निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानते हुए सन 2001 में 3 साल की सजा सुनाई, पर हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। एक और मामले पर राव पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने के तिवारी, चंदा स्वामी, के एन अग्रवाल के साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री पीपी सिंह के पुत्र अजय सिंह को नकली बैंक दस्तावेज के माध्यम से काले धन मामले में फंसाने की कोशिश की। बाद में न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। एक अनिवासी भारतीय लखू भाई पाठक के साथ धोखाधड़ी मामले में भी राव का नाम आया। सन 2003 में न्यायालय ने उन्हें इस मामले में भी बरी कर दिया। इनके निर्धन की बात करें, मृत्यु की, तो 9 दिसंबर 2004 को राव को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में भर्ती कराया गया और 23 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। नरसिम्हा राव जी के टाइमलाइन जीवन की घटनाएं कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम लोग। सन 1921 में नरसिंह जी का जन्म हुआ, नरसिम्हा राव जी का। सन 1940 में काकतीया पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया इन्होंने। सन 1951 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सदस्य बने। 1957 में प्रदेश विधानसभा का सदस्य चुने गए। सन 1962 से 64 आंध्र प्रदेश सरकार में कानून और सूचना मंत्री रहे। 1967 में आंध्र प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य और दवा मंत्री रहे। सन 1968 से 71 आंध्र प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1980 से 84 के बीच केंद्र सरकार में विदेश मंत्री रहे। 1984 में केंद्रीय गृहमंत्री बने। 1984-85 में केंद्रीय रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। 1985 में ही केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे। 1991 में भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। 1992 में उनके प्रधानमंत्रित्व में इजराइल का दूतावास नई दिल्ली में खोला गया। सन 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रारंभ हुआ। 1996 में 16 मई को प्रधानमंत्री का कार्यकाल की समाप्ति हुई इनके। 1996 में अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल के सांसदों को रिश्वत देने का आरोप लगा इन पर।
1986 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 2000 में रिश्वत देने के मामले में न्यायालय में दोषी पाए गए। 2002 में रिश्वत देने के मामले में न्यायालय द्वारा बरी किया गया। 2003 में प्रवासी भारतीय व्यवसायी लाखू भाई पाठक से धन लेने के मामले में भी बरी किए गए। 2004 में 9 दिसंबर 2004 को दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में भर्ती कराया गया, जहां 23 दिसंबर को उनका निधन हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी।